नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन क्या होता है। हमने देखा था हेलो एल्केन को, हेलो एरेन को देखा था, और हमने देखा था कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन में अंतर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन में sp3 संकरण मिलता है। किसमें? हेलो एल्केन में sp3 संकरण मिलता है। और उसके बाद देखा था हमने हेलो एरिन में sp2 संकरण पाया जाता है। तो हेलो एल्केन में sp3 संकरण और हेलो एरिन में sp2 संकरण मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या पढ़ा था। हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला किसके आधार पर? पहला है आर के आधार पर। और दूसरा हमने पढ़ा था यक्ष के आधार पर, अर्थात हैलोजन क्रियात्मक समूह के आधार पर। और इसको हमने देखा था एल्किल क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो हमने देखा था कि जो आपका हेलोरिकेन है उसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला आर के आधार पर अथवा एल्किल क्रियात्मक समूह के आधार पर। दूसरा है यक्ष के आधार पर। किसके? यक्ष के आधार पर, अर्थात यहाँ पर कहेंगे यक्ष के आधार पर, अर्थात हैलोजन क्रियात्मक समूह के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा था हेलो एल्केन का नामकरण। क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन का नामकरण। और सबसे बाद में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन में समावयवता। क्या? हेलो एल्केन में समावयवता को हमने पढ़ा था। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो देखिए, हम रसायन विज्ञान क्लास 12 का द्वितीय प्रश्न पत्र हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रहे हैं। जो बच्चे वीडियो लेक्चर 1 मतलब पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वे पहले अपने पहले वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद दूसरा वीडियो समझें। क्योंकि यदि आप पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो लेक्चर बहुत समझ में नहीं आएगा। चलिए, हम बात न करते हुए आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो देखिए, हम पढ़ेंगे क्या? हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। देखिए, कौन कौन सी विधियों द्वारा हेलो एल्केन बनाया जाता है, कौन कौन सी विधियों द्वारा हेलो एल्केन हम बनाते हैं, तो उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, इसमें हम पहला पढ़ेंगे मेथेन से हेलो एल्केन। क्या? मेथेन से हेलो एल्केन क्या बनाएंगे हम? मेथेन से हेलो एल्केन, इसे हम एक नाम और देते हैं हेलो फार्मक्रिया अथवा हेलोजनीकरण। क्या कहते हैं हम? हेलोजनीकरण। तो देखिए, हेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो आप देखिए, आप कहेंगे हेलोजनीकरण अथवा मेथेन से हेलो एल्केन, तो कैसे बनाएंगे? आइए हम इसको समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मेथेन से जब हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो इसके लिए हमें चार पद को पढ़ना पड़ता है, अर्थात यह अभिक्रिया चार पदों में पूर्ण होती है। पहला देखिए, ये आपके पास क्या है? मेथेन CH4। क्या है? CH4 अर्थात मेथेन। मेथेन को हमने क्लोरीन से, क्या है यहाँ पर? क्लोरीन Cl2 से क्रिया कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में। ये HNU है, तो मेथेन को हमने सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया कराया। जब हम मेथेन को सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा? CH3Cl+ क्या बनेगा? यहाँ से देखिए, एक Cl निकलेगा और यहाँ से एक H निकलता है, ये बना लेंगे आपका HCl। यहाँ से एक Cl निकलेगा, यहाँ पे आया और एक H निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा, तो HCl बना लेंगे। परिभाषा में हम क्या कहेंगे? देखिए, जब हम मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। दूसरा देखिए, इसमें आपके चार पद होंगे, पहला पद को हमने देख लिया। दूसरा पद हमारे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मेथिल क्लोराइड को, किसको? मेथिल, देखिए दूसरा पद CH3Cl प्लस Cl2, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। जब मेथिल क्लोराइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, किससे? जब मेथिल क्लोराइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, इसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है? बनता है आपका CH2Cl2। क्या बनेगा? CH2Cl2। नाम है इसका डाइक्लोरोमेथेन, और इसको हम क्या कह सकते हैं? मेथिल। तो यहाँ पे CH3 एक बार है और Cl है, तो इसे हम मोनोक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्लोरोमेथेन। और ये जो यौगिक बना है, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। क्या है? डाइक्लोरोमेथेन प्लस HCl बाहर चले जाएंगे। क्या होगा? HCl हमारा बाहर चला जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं इस डाइक्लोरोमेथेन को, इस डाइक्लोरोमेथेन को पुनः हम क्या करते हैं? तीसरे पद में, किसने पद में? तीसरे पद में क्या करेंगे हम? पुनः क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। किससे? क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? डाइक्लोरोमेथेन है, CH2Cl2, ये डाइक्लोरोमेथेन है और ये क्लोरीन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNu, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम डाइक्लोरोमेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनता है हमारा, तो क्या बनेगा? क्लोरोफार्म। इसका क्या नाम है? क्लोरोफार्म, अथवा आप कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या? ट्राइक्लोरोमेथेन। और उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पर HCl बाहर चले जाएंगे। तो हमने देखा कि जब डाइक्लोरोमेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है? बनता है हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन, अर्थात क्लोरोफार्म, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए चौथे पद में क्या होगा। चौथे पद में देखिएगा, यहाँ पे CHCl3 को, मतलब क्लोरोफार्म को, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। किससे? क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। जब क्लोरोफार्म को क्लोरीन से हम क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ का निकलेगा, मतलब प्रतिस्थापित होता है, और एक Cl यहाँ से निकलता है। तो ये बना लेंगे प्लस में HCl। क्या बनाएंगे? प्लस में HCl, और CCl हमारा प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? CCl हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो एक बार इस पूरे अभिक्रिया को समझते हैं। ये क्या है आपका? हम कहेंगे ये जो अभिक्रिया है आपकी, हैलोजनीकरण अथवा मेथेन से हैलोएल्केन, ये चार पदों में पूर्ण होती है। देखिए पहला क्या है आपका? मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हम क्या कहेंगे? जब मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। उसके बाद आप कहेंगे जब मेथिल क्लोराइड को इससे पुनः क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है। क्या बनता है? डाइक्लोरोमेथेन बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर चला जाता है। फिर आप कहेंगे कि अब हम डाइक्लोरोमेथेन को पुनः, ये हमारा डाइक्लोरोमेथेन है, पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। किससे? क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है? तब बनता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बनता है? ट्राइक्लोरोमेथेन अथवा क्लोरोफार्म, ये बनेगा, और HCl बाहर चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब हम क्लोरोफार्म को या ट्राइक्लोरोमेथेन को, क्लोरोफार्म कहिए चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन कहिए, इसको आप पुनः क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? ये बनेगा पायरीन। ये क्या है आपका? पायरीन है, और ये क्या है? HCl है, ये हमारे बनता है। तो हमने हैलोजन बनाने की पहली विधि को देखा। अब आगे हम देखेंगे हैलोजन बनाने की
अन्य विधियां, देखिए अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आपका कि अल्कोहल से हैलोफॉग, तो हमने जो पहला पढ़ा मीथेन से, क्या पढ़ा, मीथेन से हमने पढ़ा हैलोजन बनाना। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा एल्कीनो से, किससे, एल्कीनो, एल्कीनो से, एल्कीनो से क्या पढ़ेंगे हम, हैलोफार्म, हैलो फार्म या हैलो एल्केन, हैलो एल्केन देखेंगे। तो देखिए हम कैसे एल्कीनो से हैलो एल्केन बनाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, एल्कीन को देखते हैं। हमारे पास साधारण एल्कीन ये है, क्या है, ये साधारण एल्कीन है। सूत्र क्या है, CH2 मतलब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, ये एल्कीन है। प्लस इसे हम क्या करेंगे, HBr से क्रिया करा देंगे, किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो आप भाषा में कहेंगे जब इसको एथीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब एथीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है। आइए हम देखते हैं, इस कार्बनिक यौगिक में CH2 CH2 बीच में द्विबंध है और यहाँ पे सिंगल बंध लगे हुए हैं। इस दो बंध में से एक बंध को तोड़ दो और दोनों साइड जोड़ दो। देखिए ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन हमारे पास है, हमने देखा कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है, कितना है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हम इस कार्बन से दो हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। अब उसके बाद कार्बन के बीच में द्विबंध है, लेकिन हमको एक काम करना है, बंध को तोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दो, दो में से एक बंध को तोड़ देंगे और बचेगा हमारे पास दो हाइड्रोजन इस रूप में और अगले वाले कार्बन का। उसके बाद देखिए अब आप जब बंध को तोड़ेंगे तो बंध इस रूप में व्यवस्थित होता है। दो बंध में से जब हम एक बंध को तोड़ते हैं तो बंध इस रूप में व्यवस्थित होता है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको लिया, इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है। एक को मतलब एच को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, और ब्रोमीन को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे हमने देखा कि हैलो एल्केन बन गया है। तो परिभाषा में आप कहेंगे कि जब एल्कीन को किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड अर्थात हैलो एल्केन, क्या, हैलो एल्केन बनता है। जैसे अगला देखिए, अगला उदाहरण आपके पास है, यहाँ पर आप ले लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे R है मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह। यदि यहाँ पे आपसे को जोड़ना पड़े Cl तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऐसे पहले लिख देंगे बैलेंसी, कार्बन की बैलेंसी को संतुष्ट करेंगे, फिर यहाँ पे Cl और इस रूप में आप ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर बंध को तोड़ना पड़ता है और दोनों साइड में जोड़ना पड़ता है। चलिए हम अगली विधि को देखते हैं, उससे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब एल्कीन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड को जोड़ेंगे। जब एल्कीन में हाइड्रोजन क्लोराइड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड अर्थात हैलो एल्केन बनता है। तो हमने अभी तक हैलो एल्केन बनाने की दो विधियों को पढ़ा, पहला मीथेन से हैलो एल्केन और दूसरा एल्कीनो से हैलो एल्केन, ये हमने पढ़ा। अब इसमें आप देखिए जो अगली विधि है हैलो एल्केन बनाने की, जो अगली विधि है वह है आपके पास एल्कोहल से, क्या है, एल्कोहल से हैलो एल्केन। तो आइए हम देखते हैं कि एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। देखिए एल्कोहल से जब हम हैलो एल्केन बनाएंगे तो ये कई प्रक्रम में होता है, जैसे पहला है हमारा मेन हेडिंग बनेगी, मेन हेडिंग है एल्कोहल से हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, एल्कोहल से हैलो एल्केन। तो देखिए मेन हेडिंग आपकी क्या है, एल्कोहल से हैलो एल्केन, इसमें पहला आप देखेंगे, पहला किससे, आप कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे क्या बनते हैं, हैलो एल्केन बनते हैं, अथवा आप कह सकते हैं हाइड्रोजन अम्ल से, किससे, पहले कहेंगे आप हाइड्रोजन अम्ल से,
अम्ल से क्या बनाएंगे हम, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो देखिए आप कहेंगे कि जब हमको क्या बनाना होगा एल्कोहल से हेलो एल्केन, तो उसमें पहला प्रक्रम आता है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन अम्ल से हेलो एल्केन बनाएंगे। आइए हम सीखते हैं, यहाँ पर है एल्कोहल आर ओ एच, ये क्या है आर ओ एच प्लस एच एक्स, ये क्या है हेलोजन हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन अम्ल है, ये क्या है हाइड्रोजन अम्ल है। जब बनाना हो क्या हमको यहाँ पे हेलो एल्केन, तो हम यहाँ से जल को बाहर कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, बाहर कर देंगे, अब बन जाएगा आपका आर एक्स अर्थात हेलो एल्केन प्लस एच एक्स एच ओ एच, क्या बना ये बन गया। भाषा में आप कहेंगे जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हेलो एल्केन और एच ओ एच बाहर चला जाता है। अगला देखिए आप, कुछ प्रश्न आपके पास है, जैसे सी एच थ्री ओ एच प्लस एच सी एल, इसका उत्तर क्या होगा सी एच थ्री सी एल प्लस एच ओ एच। उसी प्रकार सी टू एच फाइव बी आर प्लस सॉरी सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एच बी आर, क्या होगा एच बी आर। उसी प्रकार सी थ्री एच सेवन ओ एच प्लस एच आई, तो हमने ये देखा। तो आप इन दोनों को पूर्ण कर लेंगे, पहले एक बार फिर समझ लीजिए, आप हेडिंग बनाएंगे अल्कोहल से क्या हेलो एल्केन, तो उसमें पहला जो पॉइंट है ए पॉइंट है, पहला पॉइंट है वो क्या है आपका हाइड्रोजन अम्ल से हेलो एल्केन। तो देखिए उसमें होगा एल्कोहल को आप लेंगे हाइड्रोजन अम्ल मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हेलो एल्केन और जल बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार सी एच थ्री ओ एच एच सी एल, इसमें से आपने क्या किया जल को बाहर कर दिया, जल को रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा आपका मेथिल क्लोराइड अर्थात हेलो एल्केन बनता है और जल बाहर चला जाता है। शेष को आप पूर्ण कर लेना, आप सब लोग पूर्ण करेंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तो हम देखते हैं कि एल्कोहल से और क्या या और किन विधियों द्वारा हम कैसे कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। तो देखिए जो अगला प्रक्रम है हम पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड से, किससे थायोनिल क्लोराइड से। तो आइए हम देखते हैं कि थायोनिल क्लोराइड क्या है आपका दूसरा है, मतलब ये आपका बी, अभी तक हमने पढ़ा ए, अब पढ़ेंगे बी थायो, पढ़ेंगे हम थायो नील क्लोराइड से, क्लोराइड से क्या बनाएंगे हम हेलो एल्केन। तो हम क्या बनाएंगे इस समय थायोनिल क्लोराइड से हेलो एल्केन को हमें बनाना है, ये चीज हम बनाएंगे। फिर सुनिए थायोनिल क्लोराइड से हेलो एल्केन बनाना है, आइए हम देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू, ये क्या है आपका ये है आपका एल्कोहल, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए आर सी एल एस ओ और एच सी एल क्या बनेगा आर सी एल, आर यहाँ आया और सी एल दो था, एक सी एल को हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद एच है और यहाँ से एक सी एल लेंगे एच सी एल बन जाएगा, उसके बाद ओ यहाँ पर है और यहाँ पे ओ है यस है, तो ये हो जाएंगे यस ओ टू बेस। तो हमने देखा जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है एल्किल क्लोराइड, क्या बनेगा एल्किल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड और ये सूट गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने इसको देखा, इसे डार्जेन क्या कहते हैं डार्जेन, महत्वपूर्ण हेडिंग है डार्जेन अभिक्रिया, अभिक्रिया ध्यान देंगे इसे क्या कहेंगे हम डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब उसके बाद आगे देखेंगे इसी भाग में, तो हम पढ़ रहे थे इस समय डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया में हमने देखा कि डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन बनाते हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होती है। आप कहेंगे जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, HCl बनता है और SO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो आइए हम इसके द्वारा कुछ सामान्य हेलोजन बनाएं, जैसे CH3OH+SOCl2। इसके द्वारा हम क्या बनाएंगे हेलोजन। तो देखिए ये आपका क्रिया करेगा और बनाएगा CH3Cl+HCl और SO2 गैस। क्या बनाएगा SO2 गैस बनाएगा। तो देखिए जब मेथिल अल्कोहल को थायोनिल किसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तथा SO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने इसको देखा। अब देखिए हेलोजन बनाने की अगली विधि कौन सी है। तो हेलोजन बनाने की जो अगली विधि है उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस प्रक्रम द्वारा और हेलोजन कैसे बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे CH3CH2OH+SOCl2, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सब लोगों को पूर्ण करना है। तो देखिए CH3CH2OH+SOCl2 इसको आप पूर्ण करेंगे। उसी प्रकार CH3CH2CH2OH यहाँ पे कर देंगे इस रूप में +SOCl2SOCl2। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पूर्ण करेंगे। अब हम देखेंगे अगला जो प्रक्रम है वह है आपका हैलाइडों के आदान प्रदान से। क्या है हैलाइडों के आदान प्रदान से। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं फास्फोरस। क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से हम हैलोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हम पढ़ेंगे PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्या है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से हेलोजन बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से हेलोजन बनाते हैं। ये हमारे पास ROS मतलब एल्कोहल है प्लस PCl क्या है PCl3। तो हम एक काम करेंगे क्या यहाँ पे 3 से अल्कोहल को गुणा कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या मिलेगा हमको मिलेगा यहाँ पे देखिए R 3 बार हो जाएगा R और उसके बाद Cl है तो Cl ये 3 बार हो गई प्लस H3PO3 ये प्रोडक्ट बना। सुनिए जब एल्कोहल को PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है एल्किल क्लोराइड बनता है और H3PO3 बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है हाइड्रोफास्फेट है आपने इसको देखा और ये H3PO3 है आपने इसको पढ़ा। उसी प्रकार आप इन सब प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए PCl3 अब इसमें आप CH3CH2OH प्लस PCl3 और उसमें देखेंगे आप एक और उदाहरण CH3CH2CH2OH प्लस PCl3। तो आप देखिए पहला हम एक बार फिर समझते हैं ये हमारा एल्कोहल है ये आपका PCl3 है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड है। इसको जब हमने एल्कोहल को फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ क्रिया कराया तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या एल्किल क्लोराइड और क्या मिलेगा आपका हाइड्रोजन फास्फेट। ये मिलेगा आपका हाइड्रोजन फास्फेट मिलेगा आपने इसको देखा। अब अगली जो विधि है उसके द्वारा हम हैलोजन कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगली जो विधि है उसके द्वारा हम हैलोजन कैसे बनाते हैं तो ये आपकी तीसरी अर्थात सी हमने पढ़ा था ए प्रक्रम हैलोजन हैलाइड द्वारा हैलोजन हैलाइड द्वारा। बी में पढ़ा था हमने क्या थायोनिल क्लोराइड द्वारा और सी में हमने पढ़ा PCl3 द्वारा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले प्रक्रम में जो होगा हमारा हैलो एल्केन बनाने का तरीका। उसमें हम पढ़ेंगे अगला प्रक्रम
PCl5C हेलो एल्केन, किससे? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये प्रक्रम हमारा डी है और PCl5C तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप क्या बनाएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम हाइलोइल्केन को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, इसमें हम ROH क्या लेंगे, अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराएंगे, अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराएंगे, तब ये क्या बनेगा आपका RCl, एल्किल क्लोराइड क्या बनेगा आपका RCl प्लस HCl प्लस यहाँ पे बनेगा आपका POCl3। तो आप कहेंगे जब अल्कोहल को किसके साथ PCl5 से क्रिया कराते हैं तो RCl एल्किल क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और ये फास्फोनिल, ध्यान देंगे POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम होगा फास्फोनिल क्लोराइड बनता है। उसके बाद देखिए इसके और भी समीकरण हैं, ये आप देखेंगे PCl5 से, उसी प्रकार CH3CH2OH क्या है आपका CH3OH PCl5, इसे आप पूर्ण करेंगे। उसके बाद CH3CH2OH और क्या करेंगे PCl5, इसको भी पूर्ण करेंगे। तो इसको हम आपको बता देते हैं, ये बनेगा आपका CH3Cl HCl बनेगा प्लस POCl3 प्राप्त होगा। देखिए आप इसको पूर्ण कर लेंगे CH3C3H7OH प्लस PCl5। तो हमने देखा कि अल्कोहल से हाइलोइल्केन बनाने का तरीका, हमने देखा कि अल्कोहल से जो हाइलोइल्केन बनाए जाते हैं उसके चार प्रक्रम होते हैं। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड से, दूसरा है आपका थायोनिल क्लोराइड से, तीसरा है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl5 और चौथा है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब हम अगला देखेंगे, अगले में क्या होगा, जो अगला प्रोसेस है अगले प्रक्रम है उसे हम कहेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा हाइलोइल्केन। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा हाइलोइल्केन कैसे बनाएंगे, तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा हाइलोइल्केन, तो देखिए इसे हम कहेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। आप कहेंगे इस प्रक्रम द्वारा हम क्या बनाते हैं, हाइलोइल्केन को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास होगा RCH2COAG, नाम है इसका सिल्वर एसीटेट, क्या है? सिल्वर एसीटेट। आप कहेंगे इस समय हम हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा क्या बना रहे हैं, हाइलोइल्केन को बना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें हम लेते क्या है, इसमें हम सिल्वर एसीटेट को लेते हैं, सिल्वर एसीटेट को लेते हैं और इसको ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन से क्रिया करा देते हैं। तो आप भाषा में लिखेंगे जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तब बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, क्या बनेगा? एल्किल ब्रोमाइड, CO2 गैस बनेगी और AgBr बाहर निकल जाता है, AgBr बाहर निकल जाता है, इसे ही हम हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिए फिर से, आप कहेंगे जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, CO2 गैस बनती है और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, इसे हम हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और इसके उदाहरण है, आइए हम उसे समझें। देखिए यहाँ पे CH3CH2COAG, अब आप इसे ब्रोमीन से क्रिया करा देंगे, जब कराएंगे तो ये बनेगा CH3CH2Br प्लस
CO2 प्लस AgBr। परिभाषा में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को आप लिखेंगे तो उसकी परिभाषा लिखना अति आवश्यक होता है। परिभाषा में आप कहेंगे जब सिल्वर एसीटेट को ये क्या है, सिल्वर एसीटेट है और ये क्या है, ब्रोमीन। तो जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एथिल ब्रोमाइड CO2 गैस बनती है और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। तो हमने इसको देखा। अब इसके बाद देखेंगे जो अगली और आखिरी प्रक्रम है, जो अगला और आखिरी प्रक्रम है हेलोलिकिन बनाने का, वह है किसके द्वारा, हैलाइडों के आदान प्रदान से, हैलाइडों के आदान प्रदान से। तो आइए हम देखते हैं कि हैलाइडों के आदान प्रदान से हेलोलिकिन कैसे बनाएंगे। तो हमने अभी तक इसको देखा, उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट प्रक्रम है, आखिरी भाग है, और उसे हम देखेंगे क्या कि हैलाइड के आदान प्रदान से हैलोलिकन कैसे बनते हैं। तो हम कहेंगे हैलाइडों के आदान प्रदान से हैलाइडों के आदान प्रदान से हैलोलिकन हम बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। हैलाइड आपके क्या है, R X, ये क्या है, हैलाइड है। प्लस जब इसे हम Na I से क्रिया कराएंगे, जब RX को Na I के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, RI बनेगा। क्या बनेगा, RI मतलब हैलोलिकेन। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा, Na X बाहर चला जाएगा। इस प्रक्रम द्वारा हम क्या करते हैं, हैलाइडों के आदान प्रदान से हैलोलिकेन बनाते हैं। देखिए उसी प्रकार CH3Cl प्लस Na I, इसमें क्या करेंगे हम, बनेगा CH3I प्लस NaCl। उसी प्रकार CH3CH2Br प्लस Na क्या कर देंगे यहाँ पे, Cl। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, हैलाइडों के आदान प्रदान से बात हो रही है तो बनेगा आपका CH3CH2Cl, ये यहाँ पर आएंगे और प्लस में बनेगा Na Br। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा हैलोलिकन बनाने के तरीके या उनकी विधियाँ। उसमें हमने पहले पढ़ा मेथेन द्वारा हैलोलिकन या मेथेन से हैलोलिकन, इसे हमने क्या कहा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था एल्कीनों से, क्या था, एल्कीनों से हैलोलिकन। तीसरा था आपका एल्कोहल से हैलोलिकन। एल्कोहल से कितनी विधियां हैं, चार विधियां हैं। पहला है आपका HX, क्या है, HX अर्थात हैलोजन हैलाइड, क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये है आपका HX हाइड्रोजन हैलाइड से है। दूसरा है थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2, और तीसरा है आपका PCl3 से, चौथा है PCl5 से। तो एल्कोहल से हैलोलिकन बनाने की चार विधियों को हमने पढ़ा, पहला है हाइड्रोजन हैलाइड से, दूसरा है थायोनिल क्लोराइड से, तीसरा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और चौथा है आपका PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से। उसके बाद हमने पढ़ा हुंसडिकर अभिक्रिया, क्या पढ़ा, हुंसडिकर अभिक्रिया, और लास्ट में हमने पढ़ा हैलाइडों के आदान प्रदान से हैलोलिकन बनाना। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखिए, यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ जो भी आपको वीडियो में कोई त्रुटि मिले, जो भी समस्या मिले, उसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद। अगले भाग में हम इसके आगे पढ़ेंगे।